दूसरी साइड करेंगे। तो ऐसे लेफ्ट पैर को नीचे कर लिया, लेफ्ट एड़ी को राइट कमर हिप के नीचे रख दिया और अपनी राइट नी को लेफ्ट नी के ऊपर रख दिया। अब दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजीशन पे लाके अपने दाहिने हाथ को छत। किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या तब होती है जब आपकी हार्ट मसल्स तक प्रॉपर मात्रा में ब्लड ना पहुंचे या ब्लड का पहुंचना बंद हो जाए। देखिए, हमारे हार्ट का काम क्या है कि ये प्योर ब्लड को हमारे हार्ट से पूरे शरीर तक, पूरी बॉडी तक पहुंचाए और इम्प्योर ब्लड को हमारी बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लेके आए। लेकिन हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान का सही नहीं होना, अत्यधिक स्ट्रेस लेना, ओबेसिटी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, हमारा हार्ट तक जो ब्लड पहुँचना चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में पहुँच नहीं पाता। अब ऐसा नहीं है कि इस समस्या से बचा नहीं जा सकता है, इस समस्या से बेशक बचा जा सकता है, क्योंकि ये है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़। तो इससे बचने के लिए हमारी लाइफस्टाइल जो बिगड़ी हुई थी, इसको अगर सही कर लें, साथ ही योग का अभ्यास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि जो आपको स्ट्रेस कम करने का जो तरीका है वो योग के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि तो अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा, साथ ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा आपको जो अत्यधिक स्ट्रेस होता है, कई सारी ऐसी टेक्निक होती हैं जिनकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। योगासन, प्राणायाम, डीप रिलैक्सेशन और भी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से योगा पॉस्चर्स जिनसे आपकी हार्ट मसल्स जो है मजबूत होती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में इम्प्रूव होता है। और ये हार्ट अटैक की समस्या किसी एज की मोहताज नहीं, इसके लिए एज का फैक्टर नहीं है। अभी हमने हाल ही में हमारे देश के बहुत प्यारे कॉमेडियन, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को खोया है, सिद्धार्थ शुक्ला को खोया है। और ये सारी समस्याएं जो हैं, आपके अगर लाइफस्टाइल सही हो जाए तो उसको सही किया जा सकता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ, ऐसे स्पेसिफिक चुनिंदा 5 योगासन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, जिनको आपको हर दिन करना है। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप कोई जानकारी मिस ना करें। इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और ये वीडियो पसंद आए, मेरा प्रयास पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले जिस आसन का अभ्यास करेंगे, इसका नाम है मर्जरी आसन और बिटिल आसन। इंग्लिश में इसे कैट एंड काउ स्ट्रेच भी कहते हैं और बहुत से योगा स्कूल में इसे टाइगर ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे आराम से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं और दोनों घुटनों के बीच में अपनी कमर जितना फासला कर लें। दोनों हाथ की हथेलियों को अच्छी तरीके से स्ट्रांगली मैट पर रखें और आपके दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला, दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में अपने कंधे जितना फासला, आपकी कलाई, आपका एल्बो, आपका शोल्डर ऐसे एक लाइन में हो, बहुत आगे ना रख दीजिएगा ऐसे ऐसे। अब सामने देखेंगे और सांस लेते हुए अपनी नाभि को, पेट की मांसपेशियों को पूरा ढीला छोड़ेंगे, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ढीला छोड़ेंगे और छत की तरफ देखेंगे ऐसे। ये हो गया काउ स्ट्रेच। बिटिल आसन, सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए अपने कंधे से लेके टेल बोन तक पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे गोल गोल कर देंगे और अपनी नाभि की तरफ देखेंगे, नेवल रीजन की तरफ देखेंगे। सांस लेंगे, पूरी चेस्ट रीजन को नीचे की तरफ पुश करेंगे जिससे चेस्ट की जो मांसपेशियां हैं वो लूजन हो, छत की तरफ देखें। और सांस छोड़ते हुए पूरी की पूरी जो चेस्ट की मसल्स है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और नेवल रीजन की तरफ देखेंगे। इसका जो प्रैक्टिस है दोस्तों, ध्यान रखें, सांस लेते हुए छत की तरफ ही देखना है सिंक्रोनाइज करके, और सांस छोड़ते हुए फिर अपनी नाभि की तरफ देखना है। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 10 से 15 बार कर लें और बहुत ज़्यादा झटका देके ऐसे ऐसे प्रैक्टिस ना करें, बहुत धीरे धीरे आराम से, जिससे कि आपको महसूस हो कि आपकी हार्ट की मसल्स जो है खिंच रही हैं और छत की तरफ देख रहे हैं और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देख रहे हैं।
तो ये हो गया पहले योगासन का अभ्यास, और इसको आप जब करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाती है। दूसरे पोस्चर का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन, इंग्लिश में इसे कहते हैं हाफ कैमल पोज। तो दोनों घुटनों के बीच में आपने अपने कंधे जितना फासला कर लिया है, अब अपने घुटने के बल ऐसे खड़े हो जाएं और दोनों पैर के पंजों को भी ऐसे एक दूसरे से ऐसे दूर कर दें। अब अपने शोल्डर्स को ऐसे रोल बैक करें ताकि चेस्ट की मांसपेशियां सारी ऐसे खुल जाएं, चेस्ट की मसल्स खुल जाएं। अब दोनों पाम्स को ऐसे कमर के ऊपर रख लें और सांस लेते हुए ऐसे हिप को आगे की तरफ पुश करें और छत की तरफ देखें, 5 सेकेंड होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, और सांस को छोड़ते हुए वापस से अपनी हील्स पर बैठ गए ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच किया ताकि ऑपोजिट स्ट्रेच मिल जाए, और ऐसे चेस्ट को ड्रॉप कर दिया, हेड को ड्रॉप कर दिया ऐसे। फिर उसके बाद कुछ देर आप रेस्ट कर लेंगे। तो इसका अभ्यास आपको 3 सेट करना है, 5 से 10 सेकेंड जितना भी रोक सकते हैं उतना पॉस्चर को रोकना है, सांस लेते हुए पॉस्चर में जाना है, 5 सेकेंड के लिए सांस रोकना है और सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और देखिए, घुटने के बल खड़े हो गए, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा, शोल्डर्स को रोल बैक किया, सांस लेते हुए हिप को आगे की तरफ वैसे पुश करें और अपने सर को ढीला छोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, सांस रोक लिया था, अब सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी पर वापस से बैठ गए और दोनों हाथों को वापस से स्ट्रेच किया, दोनों घुटनों के बीच में फासला करके दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें और हेड डाउन कर दें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। ये जूम योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे होती हैं और ये पेड क्लासेस है। इन क्लासेस के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप या तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लें, अगर वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते हैं तो ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, मेरी टीम के द्वारा आपको क्लासेस के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनको या तो ग्रुप क्लासेस करवाती हूँ जिसमें कि बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस, जो कॉमन हेल्थ कंडीशंस है जैसे कि आपके लाइक थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, PCOD, PCOS की समस्या, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इस तरीके की समस्याओं में हम मिलकर काम करते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो आप मेरे साथ 1-on-1 योगा क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जूम क्लासेस 7 बजे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहते हैं किसी भी वक्त आप अभ्यास करना अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो आप मेरे द्वारा जो योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज का जो फी है बहुत नॉमिनल है, इसकी भी डिटेल आपको या तो मेरी इस वेबसाइट पर आपको जाने से मिल जाएगी, या तो फिर अगर आप वेबसाइट में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक व्हाट्सएप कर दें ताकि मेरे टीम के द्वारा आपको गाइड कर दिया जाए कि किस तरीके से आप ये रिकॉर्डेड सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। इन रिकॉर्डेड सेशंस की सबसे खास बात ये है कि ये जो सीक्वेंस मैंने डिज़ाइन किया है इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, और साथ ही ये वीडियोज आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियोज हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल तक की है, यानी एक बार आप जब पेमेंट कर देते हैं तो आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। तो अभी जाके चेक कीजिए, मेरी वेबसाइट भी विजिट करिए और व्हाट्सएप भी कर दीजिए। अब हम अगले आसन के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा आसन जिसका की नाम है गौमुख आसन, इंग्लिश में इसे कहते हैं काऊ फेस पोज, काऊ फेस पोज या पोस्चर जो भी बोल दें। अब इस तरीके से आप क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं। क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठने के बाद अपने राइट पैर को नीचे ही रहने दें, ऐसे घुटने को नीचे ही रहने दें और लेफ्ट पैर को उसके ऊपर लेके आए ऐसे ऐसे, और दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहने दें। आपकी राइट पैर की एड़ी लेफ्ट हिप के नीचे और
लेफ्ट एड़ी राइट हिप के पास ऐसे, और दोनों घुटनों को ऐसे एडजस्ट करें कि दोनों एक दूसरे के ऐसे ऊपर आ जाएं। ऊपर आने के बाद अब मेरा लेफ्ट घुटना ऊपर है, तो मैं पहले लेफ्ट हाथ को ऐसे, लेफ्ट पाम को छत की तरफ खींच रही हूँ। सांस लिया, अब धीरे से ऐसे अपने एल्बो को मोड़ा ताकि एल्बो सीलिंग की तरफ है और आर्मपिट कैमरे की तरफ है, और धीरे से राइट हाथ को भी ऐसे पीछे लेके गई। जितना हो सके चेस्ट को फुल्ली एक्सपेंडेड रहने दीजिए, जिससे कि आपके जो फेफड़े हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट हो रहे हैं, और आपका हार्ट मसल्स भी है, इनको भी बहुत अच्छा खिंचाव मिल रहा है, और इन सारे पॉस्चर से। तो इस तरीके से पीछे दोनों हाथ को लेके जाएं ऐसे। अब बहुत से लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाथ एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएं, तो आप क्या करेंगे कि कोई दुपट्टा या स्ट्रॉल या स्ट्रैप ले लें, उसकी मदद से आप इसको करेंगे। किस तरीके से, अपनी चेस्ट को आप ऐसे झुकाएं नहीं कि आपने पीछे से पकड़ लिया और ऐसे खींच रहे हैं और सामने झुक रहे हैं, ऐसे नहीं। शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, सामने देखिए जहां तक हाथ पहुंचे, ब्रीद करते रहे। अब पॉस्चर को रिलीज कर दें, तो इसमें सांस लेते और छोड़ते रहे, और हर दोनों साइड कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड पॉस्चर को रोकें। अगर आप ज़्यादा रोकना चाहें तो एक मिनट तक भी पॉस्चर को रोक सकते हैं। अब सेम प्रैक्टिस हम दूसरी साइड करेंगे। तो ऐसे लेफ्ट पैर को नीचे कर लिया, लेफ्ट एड़ी को राइट कमर हिप के नीचे रख दिया, और अपनी राइट नी को लेफ्ट नी के ऊपर रख दिया। अब दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजीशन पे लाके अपने दाहिने हाथ को छत की तरफ खींच के, और धीरे से दाहिना हाथ यानी राइट एल्बो जो है वो छत की तरफ हो गया, आर्मपिट सामने की तरफ, और लेफ्ट हाथ नीचे से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ फंसा देंगे। या तो आप अपनी स्ट्रैप का इस्तेमाल कर लें या बिना स्ट्रैप का इस्तेमाल किए इसका अभ्यास करें। तो जब आप पीछे से इसका अभ्यास करते हैं तो पीछे से जो लॉक करना है उसको अच्छी तरीके से लॉक करें, और इसका अभ्यास हमेशा ऐसे करते हुए दोनों हाथों को ऐसे फंसा दें एक दूसरे के साथ, और इसको कम से कम 30 सेकेंड या एक मिनट तक होल्ड करके रखें। सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें ऐसे, और चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से खींच के रखें ऐसे, झुके नहीं सामने, ऐसे सामने देखते रहे। अब ये तो हो गया गौमुख आसन का अभ्यास। तो हर एक साइड, लेफ्ट साइड 30 सेकेंड, राइट साइड 30 सेकेंड रोका, तो ये हो गया एक सेट। ऐसे ही आप इसके 3 सेट कर लेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं अगले आसन के अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है भुजंगासन। तो जब आप भुजंगासन का अभ्यास करेंगे तो आराम से अपने पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे। जब आप पेट के बल लेट जाएंगे तो दोनों हाथों को कहाँ रखना है, दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें और बड़े अंगूठे को ऐसे पीछे की तरफ जाने दें। एड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और आपके जो हिप्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से टाइटन करना है। दोनों पाम्स को अपने बॉडी के साइड में रख लिया, और फिर उसके बाद क्या किया कि अपने हेड को ड्रॉप कर दिया, अपने माथे को मैट पर ड्रॉप कर दिया। फिर धीरे से सांस लेंगे और शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे ताकि कान कंधे से दूर है, और आपकी नेवल रीजन को बहुत ऐसे मत उठा लीजिएगा, ऐसे उठाना नहीं है, आपकी नेवल रीजन जो है मैट पर हो और एल्बो जो है वो मुड़ी हुई हो और छत की तरफ देखें। 1, 2, 3, 4, 5 सांस छोड़ते हुए हेड को ऐसे ड्रॉप कर दें। इसका भी अभ्यास आप कम से कम 3 बार कर लें, 3 सेट अभ्यास कर लें। तो मैं अब फिर से आपको करके बताती हूँ। आपको अगर सांस रोकने में दिक्कत आ रही है तो सांस लेते और छोड़ते रहे। अगर आप 5 सेकेंड, मैं ज़्यादा देर तक सांस रोकने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हार्ट कंडीशन में अगर आप ज़्यादा देर तक सांस रोकेंगे तो आपके दिल की धड़कनों में, मांसपेशियों में बहुत प्रेशर आएगा, तो वो ना करें। रोक सकते हैं तो रोकें, अगर बहुत सीवियर कंडीशन है और रोक नहीं सकते सांसों को तो रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, बस नॉर्मल सांसें लेते और छोड़ते रहें। तो आप दोनों पाम्स को ऐसे बॉडी के साइड में रखा, हेड डाउन चेस्ट डाउन, सांस लें। 1, 2 पॉस्चर को रोकें, 3, 4, 5 हेड डाउन चेस्ट डाउन। एक बार और,
तो जब आप ऐसे हेड को उठाएं तो आपकी कमर की जो मांसपेशियां इनको भी टाइटन करें और पूरा इफेक्ट जो है आपकी पीछे बैक पर महसूस होगा। सांस लें ऐसे और सांस को रोक लें और नॉर्मल ब्रीदिंग चाहे तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5 हेड डाउन। और दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अब हम अगले पोस्चर का अभ्यास करेंगे। अब भुजंग आसन के अभ्यास के बाद अगला आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है मत्स्य आसन या फिश पोज। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है ये हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है हेल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, यानी अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी। तो आराम से ऐसे दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें। मैं अभी जो बहुत ईजीएस्ट तरीका हो सकता है वो ईजीएस्ट तरीका बता रही हूँ ताकि सभी इसका अभ्यास कर लें, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरीके के जो दर्शक होते हैं वो देखते हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो ताकि सभी इसका अभ्यास कर लें। तो आपको क्या करना है कि ऐसे अपनी योगा मैट पर लेट जाना है, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में ऐसे रखना है, दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है, फिर धीरे से अपने सर को ऐसे उठाना है। अब अपने शोल्डर्स को रोल बैक करके चेस्ट को ऐसे बाहर की तरफ पुश करना है और फिर धीरे से आपका सर का जो क्राउन एरिया है ना उसको आपको मैट पर रखना है ऐसे ऐसे, और चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करना है, आपकी एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ खींच के रखना है ऐसे। सांसें लेते और छोड़ते रहें और फिर धीरे से अपने चेस्ट को ऐसे ड्रॉप कर दें। तो जब आप मत्स्य आसन यानी फिश पोज का अभ्यास करते हैं तो कैसे चेस्ट को बाहर की तरफ ऐसे पुश करते हैं जिससे कि हार्ट का फंक्शन, आपके हार्ट और लंग्स का फंक्शन इम्प्रूव हो और सारी रिब की जिस बहुत अच्छी तरीके से खींचे, इससे आपका बॉडी का पॉस्चर भी सही होता है, साथ ही नेक पर बहुत अच्छी एक्सटेंशन आती है, तो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी काम करती है। ज़रा एक बार और देखिए बहुत अच्छी तरीके से। आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं और क्राउन एरिया कौन सा है पहले ये देखें। जो ये बहुत सेंटर का जगह है ना, ये वाली जगह, इस जगह को क्राउन एरिया कहते हैं। अगर मेजरमेंट करें तो अपने दाहिने कान और बाएं कान के बगल से दोनों अंगूठे को ऐसे लेके जाएं धीरे 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 और जहां तक पहुंचे यहां पर इस जगह पे ये आपका क्राउन एरिया है। अब आराम से अपनी पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें, धीरे से अपनी हेड को उठाएं, चेस्ट को ओपन करें ऐसे, चेस्ट को ओपन करें और अपने क्राउन एरिया को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें ऐसे। ब्रीद करते रहे, सांस लेते और छोड़ते रहे और फिर धीरे से अपने चेस्ट को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें और शवासन में रेस्ट करें। अब आइए अभ्यास करते हैं प्राणायाम और योग मुद्रा का। जो मैं आपको प्राणायाम बता रही हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम है जो कि आप अपनी हार्ट की मसल्स को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, हार्ट को और भी ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए, साथ ही आपकी टेंशन, आपकी स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए ये दोनों प्राणायाम बहुत लाभदायक हैं। अगर आपको अभी एग्जिस्टिंग कोई हार्ट कंडीशन है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, तो कभी भी कपालभाति का अभ्यास मत कीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। मुद्रा अडॉप्ट कीजिए, तो इस तरीके से मुट्ठी बना ली, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को ऐसे उठा लिया और अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4 लेफ्ट को बंद कर लिया, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सांस ले रहे हैं राइट से, 1, 2, 3, 4 राइट को बंद कर लिया, लेफ्ट से सांस छोड़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये हो गया आपका एक सेट। इस तरीके के आप मिनिमम 9 जो सेट हैं वो तो उसका अभ्यास करें ही करें, लेकिन इसका अभ्यास अगर 10 से 15 मिनट आप करें, वो भी दिन में 3 बार करें, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सांस लेना,
जितना रेशियो है उससे दो गुना सांस छोड़ें। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 और 8 का काउंट बताया, आप चाहें तो इस काउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको इसके 3 जो राउंड है वो करके बताती हूँ और बाकी के जो राउंड है वो आप करें खुद से। लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से सांस लिया, राइट को बंद किया, अब लेफ्ट से सांस छोड़ दिया। धीरे धीरे, जितनी धीरे धीरे आप सांस छोड़ सकते हैं उतनी धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपना ध्यान पूरा का पूरा लेफ्ट नासिका पर रखें। सांस लें अपनी लेफ्ट नासिका से, लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस छोड़ दें। राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। सांस लें लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस छोड़ें। सांस लें राइट से और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। हाथ को घुटने पर ड्रॉप करके रखें, तुरंत आंखें खोल के इधर उधर ना देखें, आंखें बंद करके अपना ध्यान नासिका पर रखें। कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे शांति से बैठे रहें। अब अगले प्राणायाम का अभ्यास जो आपके मानसिक जो तनाव है इसको कम करेगा और शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, साथ ही आपके जो हार्ट पर जो दबाव पड़ता है, जो एक्सेसिव प्रेशर है और आपकी जो रक्त वाहिनियों में एक्सेसिव प्रेशर है, ब्लड वेसल्स में एक्सेसिव प्रेशर है, उनको लोवर डाउन करेगा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद करना है विद द हेल्प ऑफ षणमुखी मुद्रा इस तरीके से, और इसको मैं अभी आपको 2 राउंड करके बता रही हूँ। आपको इसके कम से कम 7 या 9, 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करना है। तो इस तरीके से गहरी लंबी सांस ली और जीभ को अपर पैलेट पर लगाना है और पतली आवाज निकालनी है, कैसे। एक बार और सांस लिया, ऐसा 7 से 9 राउंड करने के बाद आंखों को बंद करके कम से कम 10 मिनट आराम से ऐसे बैठे हुए इन झंझनाहट को महसूस करें और ध्यान लगाएं। ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा मानसिक तनाव को कम करने के लिए। तो कम से कम 10 मिनट तक आराम से बैठकर अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको बताया ये चुनिंदा बेस्ट इजी योगा पॉस्चर्स और साथ ही इन प्राणायाम का अभ्यास। आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आ गई होगी और आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, मुझे आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और भी ज़्यादा मैं उत्साहित हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।